वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, नेवर कम हियर। मैंने बोला था चीकू को, मैं कहा मैं बंदा देख के बता देता हूँ, ये बंदा हिंदी बोलेगा पंजाबी बोलेगा। कॉमन स्कैम होता है यहाँ पे पेरिस में, वो घुमाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आईफिल टावर एक कौन आर्टिस्ट ने किसी को दो बार बेचा है। ओ लुक एट दैट। वेलकम अबोर्ड। तो जी सबको धक्का दे दा के हम इतनी आगे पहुंच ही गए। किसी का तो भी हाथ मेरे को महसूस हुआ अपनी जेब में जाते हुए। कह रहा बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला, वो दो आईफिल टावर लेके घूम रहा है, कह रहा बड़ा वाला छोटा वाला। Literally feels like a festival is going on, जितनी पब्लिक है यहाँ पे। This is also nice. ये देखिए ये कितना अच्छा है। पक्का मन बना ले लेने का। मन तो मैंने बना ही रखा था यार। ये देखिए कितना बढ़िया। I like it. क्या ले रही है? हैं? तो ये वहाँ से टैक्स रिफंड के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। ये वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, नेवर कम हियर। और आओ तो अकेले हो, बीवी को बिल्कुल मत लेके आना। नेवर कम हियर विद योर वाइफ। ओके सीरियसली मत लेना मेरी बात को। हाँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। एक ऐसी सिटी जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा टूरिस्ट आता है पेरिस में। पेरिस में रियल लोगों को फैशन सेंस है, इसलिए यहाँ के जो फैशन ब्रांड्स हैं वो दुनिया में काइंड ऑफ नंबर वन है। बट बहुत भारी पड़ता है यहाँ ना, इतना तो खर्चा कराना बनता है बीवी को। या सो हम लोगों ने 2 दिन का पास ले लिया था, अब लग रहा है कि गलती कर दी। रीजन मीन कि सुबह से सिर्फ एक ही बार मेट्रो यूज़ करी है और आज हो सकता है एक ही बार और करें, इससे तो अच्छा रहता है कि हम पास ना लेते। और अब दिक्कत क्या है, बस हाईली अनरिलायबल लग रही है। बस 12 मिनट पहले आनी थी, अभी तक आई नहीं है, और हर 7 मिनट में आती है, तो 12 मिनट में 2 बसों के तो टाइम निकल चुके हैं, आई नहीं। आई डोंट नो कितनी देर में आएगी। बस 18 मिनट्स पहले आनी थी बट नो बस। सो वी आर, बस हो गई हमारी, हम लोग जा रहे हैं, हमारा प्लान चेंज हो गया। हम पहले जा रहे थे नोटरे डेम। वैसे तो नोटरे डेम आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हो, इधर से वैसे आप नोटरे डेम सिर्फ बाहर से ही देख सकते हो, अंदर से वो बंद है। वहाँ कुछ टाइम पहले आग लग गई थी जिसकी वजह से वो भी रिपेयर चालू है। सो राइट नाउ वी गोइंग डायरेक्ट टू आईफिल टावर। देखो हम वहाँ से निकले और अब बस आ गए। बताओ चलना जाना है दोबारा के छोड़े परे? अब वहाँ चलो चलो ग्रीन हो गए, जल्दी 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 ग्रीन। हर जगह भीड़ है, भीड़ भड़क, हर जगह भीड़, सेल लग रहा है। तो क्या हो गया? मतलब न्यूयॉर्क में मुझे इतनी भीड़ नहीं दिखती यार, यहाँ ज्यादा ना वो टूरिस्ट फील होता, अजीब सी फील है यहाँ की। 21 है वो। आजा इधर से आजा। आ गए आ गए आ गए, बहुत ही भीड़ थी यार। दिल्ली में ट्रैवल करते थे ना, जॉब करते, बसेस लेते थे दिल्ली से गुड़गांव जाते थे। माय गॉड। नहीं अभी नहीं, बाद पंजाब से बहुत बढ़िया है। कितने का ये? ये 3 यूरो का 2-5 के दे देंगे आपको। दूसरा है मेरे पास, और भी निकालता हूँ, आ जाओ।
नहीं नहीं बाद में लेते हैं, चलो अभी बाद में लेते हैं। ओ ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये आ गया जी आईफिल टावर। लेंगे लेंगे आ जाओ। भाजी वाशरूम है यहाँ पे कोई नहीं है, पब्लिक वाशरूम कोई नहीं है यहाँ। भाजी वाशरूम आ गए, कोई वाशरूम है यहाँ पे कोई कहाँ पे? थैंक यू। यू आल्सो न्यू ही स्पीक हिंदी, यू आल्सो न्यू ही स्पीक हिंदी बडी। आई कैन लुक एट समबडीज फेस एंड आई कैन टेल दे नो हिंदी और नॉट। कैसे पता है आपको? ये सारे जो लाइन में खड़े हैं ना, ये सारे हिंदी बोलते हैं। देखियो हर एक से सेम सवाल पूछूंगा मैं, देखियो। भाजी वॉशरूम है क्या इधर? हां सीधा जाके उधर। ओए नहीं यार, बंदा नहीं मैं लाया था। आई नो दैट ही इन योर पंजाबी, सी आई कैन टेल। कॉमन स्कैम होता है यहां पे पेरिस में, वो घुमाएगा ग्लास और आपको बताना है कि वो किसके नीचे है बॉल। नीचे से बॉल वीन बार सूजी दे उड़ा बुल्ला होला सी बिना बॉल करा बॉल 100 ग्राम बॉल। यू गेट मनी यूरो की बैट लगा रहे हैं लोग वहाँ पे, ये टोटल स्कैम होता है, मिले होते हैं लोग अंदर। भाई क्रेजी पब्लिक है यार यहाँ तो, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ऐसी हालत होगी। आंटी जी को और इनकी फैमिली को एग्जैक्टली 15 मिनट हो चुके हैं, एक स्पॉट नहीं छोड़ रहे हमारे लिए फोटो खिंचाने के लिए। इतने सारे और पॉइंट है, कहीं और खिंचा लेते हैं, आधा घंटे से खड़े हैं यार यहाँ पे। पता नहीं फोटो आई भी कैसी है, इतनी देर एक फोटो के लिए मैंने आज तक लाइफ में कभी वेट नहीं करी यार। अभी तो हम आईफिल टावर के नीचे गए नहीं है, ऑलरेडी 7:30 हो गए हैं शाम के, बस वहां जाते हैं। जगह जगह पे लोग बोतलें खोल के बैठे हुए हैं और बाल्टियों में अपने लोग, और इतने सारे तो देसी बंदे हैं, बाल्टियों में ले लेके घूम रहे हैं, बियर की बोतलें हैं और हर चीज़ मतलब खुलेआम चल रही है यहाँ पे। दैट इज़ सरप्राइजिंग टू मी। पेरिस को बोला जाता है द सिटी ऑफ लाइट्स, और उसके कई रीज़न बताए जाते हैं। एक तो रीज़न ये बताया जाता है कि पेरिस में बहुत सारे जो पढ़े लिखे टाइप लोग होते थे, पोएट्स, राइटर्स, नोबलिस्ट टाइप लोग आके रहा करते थे यहाँ पे, तो इसलिए इसको बोलता था लाइट, भाई रोशनी फैलाते हैं वो। दूसरा सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो पेरिस में आई थी। सीरियसली? हाँ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ आया था। देख मैं बताता हूँ उधर को, इधर चीकू नहीं दूर रहेंगे। लेकिन what is this, you want to know what is this? Horse. That's the horse over there, that did it. You see the horse there? Yeah, that did it. हम लोग यहाँ ना एक रिवर है, इस रिवर पे ये क्रूजेस चलते हैं पूरा ना, घुमाते हैं आपको। हम सोच रहे थे आज कर लेते हैं लेकिन इतनी भीड़ है भाई साहब, लुक एट दिस।
सो सिचुएशन ये है कि इतने लोग हैं, मैंने भी उससे पूछा तो बोल रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में नंबर आएगा तुम्हारा। कल चले, कल चले, कल चलना है, थक गए ना थोड़ा आज, कल चलते हैं यार, लेट्स डू टुमारो। दर्द हो रहे हैं ना, चलो मेरे भी दर्द हो रहे हैं, लेट्स गो। सो अपेरेंटली इस जगह से कई सारी अलग अलग बोट टूर्स निकलते हैं, तो ये तो लाइन बड़ी लंबी थी, तो साक्षी गई थी इधर पता करने के लिए, वहाँ पे एक और बोट है, साक्षी भी लाइन में लगी हुई है। फाइनली 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 बोर्डिंग, बोर्डिंग टू द क्रूज। इसकी लाइटें जलने वाली है, कब जलेंगी, थोड़ी देर में जलने वाली है, एक एक दो तो जलनी शुरू हो गई लाइटें। और रात का हम लोगों ने इसलिए हम लोग टाइम करने की कोशिश कर रहे थे, लाइट ऑन होंगी सारी जगहों की तो अच्छा दिखना चाहिए, वो हमारा आइडिया था, पता नहीं कैसा होगा। अभी हम लोग होके गुजर रहे हैं, ये जो जगह ये है लैटिन क्वार्टर, और इसको लैटिन क्वार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जगह थी जहाँ पे शुरुआत में सबसे ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस थे, जहाँ पढ़ने वाले लोग बैठते थे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लैटिन क्वार्टर। ये कोई कैसल है यहाँ का, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन पेरिस। ये जो मेरे पीछे व्हाइट सी बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ की पार्लियामेंट है। आई थिंक रोड ने पैसे वसूल करवा दिए पेरिस आने के। ये जो बोट से व्यू है रात को, ये अलग ही है। Alright guys, ये वीडियो यहीं एंड हो रही है, अनलेस आप रुकना चाहो और हम जाएं नीचे और आईफिल टावर के नीचे के एक दो शॉट अगर देखने आपको तो रुक जाओ, नहीं तो ये वीडियो यहीं खत्म हो रही है। टाटा बाय बाय। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंडिया गेट दिल्ली में घूम रहे हैं कहीं पे, जैसी जैसा माहौल, स्ट्रीट वेंडर्स, भीड़ भड़का। इधर 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 कहाँ जा रहे हो? फैक्ट, ये आईफिल टावर एक कौन आर्टिस्ट ने किसी को 2 बार बेचा है, ये कहेंगे कि मेरे से खरीद लो, और कितने शायद 2 मिलियन में कुछ खरीदा है, और उस बंदे ने रिपोर्ट भी नहीं किया बिकॉज ही वाज सो अशेम्ड कि मैंने क्या बताऊं, क्या उसको लगा मैं आईफिल टावर खरीद लूंगा। यूएस की कोई लेडी है
नाम नहीं ध्यान मुझे, उसने 2017 में रिचुअल करके आईफिल टावर से शादी करी हुई है और उसने अपना नाम चेंज करके अपना सरनेम मिसेज आईफिल करा था। सही में कि मैंने आईफिल टावर से शादी। फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी। ओह लुक एट दैट।